अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि करनी हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मज़ीद आने वाली न्यू वीडियोज़ आप लोगों तक आसानी से पहुँच सकें, आप लोग आसानी से देख सकें, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाक नेवी सिविलियन जॉब्स 2022, तो इसके बारे में बात करेंगे, इसकी क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात करेंगे, आप लोगों को इसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए होगी, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, आप लोग अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो ये मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आप लोगों को ज़रा भी समझ नहीं आएगी। तो वीडियो की तरफ चलते हैं, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। तो यहाँ पर आप लोग नीचे आएंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ आप लोगों को पाक नेवी सिविलियन की जो जॉब्स हैं वो उसके बारे में बताया गया है कि 18 सितंबर 2022 को ये अनाउंस्ड हुई हैं। और उसके बाद आप लोगों को एजुकेशन बताई गई है कि एजुकेशन इसमें आप लोग देख सकते हैं मिडिल है, मैट्रिक है, इंटरमीडिएट है, बैचलर है, और इसी तरह कंपनी पाकिस्तान है भी है, जॉब लोकेशन पाकिस्तान है, जॉब टाइप फुल टाइम है। सैलरी पैकेज भी बताया गया जो कि 26,000 से आप लोग देख सकते हैं 60,000 तक आप लोगों की सैलरी बनती है। एड्रेस आप लोगों को बताया गया। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों को पोस्ट नेम बताए गए हैं जिनमें आप देख सकते हैं असिस्टेंट है, इसमें टोटल 8 वैकेंसीज हैं, 8 पोस्ट हैं। और इसके बाद डेटा एंट्री ऑपरेटर है, स्टेनोटाइपिस्ट है, इसी तरह UDC RDC है, NAP का सिद्ध है, और UDC आप लोग देख सकते हैं यहाँ बहुत सारी वैकेंसीज हैं, सारी आप लोगों को बताई गई हैं। स्टोर मैन है इसमें और बुक बाइंडर है। टोटल जो इसकी पोस्ट हैं वो 424 हैं। उसके बाद आप लोगों को बताया गया क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड बताई गई है, जिसमें पाकिस्तान नेवी का बताया गया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आप लोगों ने देनी है और रिक्वायर्ड फ्राम मेल्स, और क्वालिफिकेशन जो है ग्रेजुएशन BA, BSc, इंटरमीडिएट, FA, FSc, मैट्रिक, मिडिल एंड प्राइमरी, ये क्वालिफिकेशन है। जेंडर आप लोगों को एज लिमिट आगे बताई गई है, वो आप लोग देख सकते हैं कि एज लिमिट 18 से 30 साल तक आप लोगों की एज लिमिट होनी चाहिए। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों को अप्लाई कब दिया गया है, कि आप लोग अप्लाई जो है वो 30 सितंबर तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 30 सितंबर जो है वो इसकी लास्ट डेट है, इस तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसके बाद आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। अप्लाई के लिए आप यहाँ भी क्लिक करेंगे अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, तो आप लोग उसी वेबसाइट पर आ जाएंगे जो वेबसाइट आप लोगों को यहाँ बताई गई है। आप लोगों ने इस वेबसाइट पर आकर अपना ऑनलाइन अप्लाई करना है। नीचे आप लोगों को इसका जो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है वो भी मिल जाएगा, इसमें आप लोग देख सकते हैं असिस्टेंट, और आप लोगों को सारी पोस्ट बताई गई हैं, सारी पोस्ट, और फिर आप लोगों को साथ ही क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप लोगों को दी गई है। यहाँ पर और भी बहुत सारी इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, सेंटर भी आप लोगों को बताए गए हैं कौन कौन से आप लोगों को सेंटर रिक्वायर्ड होंगे टेस्ट के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं कराची, लाहौर, मुल्तान, पेशावर, क्वेटा, रावलपिंडी, फैसलाबाद, सियालकोट, और इसी तरह ही आप लोगों को सारे सेंटर बताए गए हैं। हाउ टू अप्लाई, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी है आप लोगों ने, लास्ट डेट 30 सितंबर है, और आप लोगों को वेबसाइट भी बता दी गई है, उस वेबसाइट पर जाकर आप लोगों ने अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो करनी है।